हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू स्टडी सोशल साइंस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आप सब के लिए, जो पीएचडी एप्लीकेंट्स हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीएचडी और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी आप चाह रहे हैं, तो दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू, क्योंकि इसमें आज हम लेके आए हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशंस ओपन है, और साथ में ही आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे स्टाइफंड भी आपको मिलेगा फॉर बोथ नेट एप्लीकेंट्स, नेट, यूजीसी, गेट, और भी जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के। नेट होता है, सीएसआईआर का नेट होता है, देन गेट होता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के जो सेट एग्ज़ाम होते हैं, और जो नॉन नेट एप्लीकेंट्स भी हैं उन सबको यहाँ पे स्टाइफंड मिलेगा। वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको मैं बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कहाँ से करना है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं, पीएचडी एप्लीकेंट्स, जिनके पास क्वालिफाइंग, जो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो इसमें एग्जेम्प्टेड रहेंगे। नेट के गेट वाले एप्लीकेंट्स जो भी हैं वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, उनको जो है रिटन टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है पीएचडी के लिए। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने होम पेज खोला है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये जो स्टडी का यहाँ पे देख रहे हैं, स्टडी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाना होगा। आप प्रोग्राम्स में जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी, आपको पीएचडी पे क्लिक करना है। पीएचडी पे क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, वो कुछ ऐसा होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है ये इंटरफेस। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं पीएचडी, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें अप्लाई करने से पहले आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत ज़रूरी है। मणिपाल MAHE यानी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल ऑफर्स पीएचडी प्रोग्राम्स इन वेरियस डिसिप्लिन थ्रू इट्स कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स अंडर। ये बहुत सारी फैकल्टीज हैं, मैं आपको फैकल्टीज दिखा देता हूँ कौन सी फैकल्टी है। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और यहाँ पे फाइनली आपकी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। ये आपको यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का। इस यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेन बट एनेबल द रिसर्चर टू डेवलप कॉम्पिटेंसी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप लेटर ऑन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन ए क्वालिफाइंग डिग्री इन फुल टाइम मोड। ठीक है, ये हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे आपको दो तरह की क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दी हुई है, इंडियन एंड फॉरेन क्वालिफिकेशन। इंडियन में आपके पास ये सारी, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी डिग्रीज होनी चाहिए, जिसमें आपकी मेडिसिन एंड डेंटल में एमबीबीएस, बीडीएस, अंडर ग्रेजुएट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स कोर्स जो इंटीग्रेटेड होता है, अगर आपके पास वो है, एमडी है, एमएस है, एमडीएस है, पीजी है, डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाई मेडिकल काउंसिल, देन फार्मेसी में है, देन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कि अगर बात करूं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज होती हैं वो भी आपको यहाँ पे दी हुई हैं। सो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम एट MAHE मणिपाल। सो क्लिक हेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो ये अगेन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। एप्लीकेंट कैटेगरी नंबर 1 यहाँ पे दी हुई है कैटेगरी, एप्लीकेंट्स विद वैलिड नेशनल। ये यहाँ पे आपके लिए जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, जिनके यूजीसी, सीएसआई
ठीक है, ICMR, GRF, DBT, GRF, JES या आपकी अदर जो UG से रिकॉग्नाइज नेशनल स्टेट लेवल जो टेस्ट होते हैं, जैसे सेट के टेस्ट होते हैं, स्टेट लेवल टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम ऑल इंडिया PhD मणिपाल एडमिशन टेस्ट। इसमें से आप सब जिनके पास भी ये क्वालिफाइंग डिग्रीज हैं, क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है, जिन्होंने ये क्वालिफाई किए हुए हैं, उनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, वो इससे एग्जेम्प्टेड हैं। नेक्स्ट कैटेगरी डॉक्टर TMA पाई स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिलेगी, वो आपको आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। और जो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर या फंडेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी आपको फुल टाइम PhD अंडर दिस कैटेगरी, और वो फंडेड फुली फंडेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया जो इंडियन क्वालिफिकेशन, ये हमने देखा, यहाँ पे फॉरेन, फिर यहाँ पे डर्कन के लिए, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कराए हैं और ये सारी। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि PhD का ब्रोशर में थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम एप्लीकेशन कहाँ से आपको फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, ये सारा देखेंगे। सो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में आप ये पहला सेक्शन देख रहे हैं PhD 2020-2021 ब्रोशर, तो इसको आप पे क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जब आप ये किसी भी फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए। तो ये आपको इंडेक्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं, PhD प्रोग्राम कैटेगरीज ये आपको कैटेगरी वाइज दी हुए हैं, सेल्फ फाइनेंसेस, ठीक है, ये स्कॉलरशिप हमने देखी, TMA पाई स्कॉलरशिप, रिसर्च सेंटर्स, प्रोजेक्ट फेलोज, ड्यूरेशन क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इंडियन फॉरेन फॉर एडमिशन प्रोसेस फिर क्या रहेगा, ऑल इंडिया मनी, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगस्त 20 PhD गाइडलाइन, MET टेस्ट सिलेबस, ये सारा इस ग्रुप में स्टडी सोशल साइंस वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, आप इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका मास्टर्स में जिसमें भी आपकी डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री है, आपको उसमें अप्लाई करना होगा। सो ये यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम है, थोड़ा सा देखते हैं PhD प्रोग्राम के बारे में क्या है कैटेगरीज, जो आपको मैंने बताया इसमें आपको फेलोशिप की बात मैंने की, तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं इनको 31,000 UGC की फेलोशिप मिलेगी, साथ में इधर स्टूडेंट्स विल बी, यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स विल आल्सो बी पेड स्टाइपेंड ऑफ 14,000 पर मंथ, ही विल गेट नेशनल फेलोशिप कंटिंजेंसी ऑफ 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 का आपको कंटिंजेंसी एनुअली भी मिलेगा, ठीक है। एंड दिस विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, ये आपके 3 साल के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी 25,000 आफ्टर जो एनी टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद होगा, और जब आप फाइनली सबमिशन भी करेंगे उस टाइम भी आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी 2 में है TMA पाई स्कॉलरशिप, यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल द क्राइटेरिया सेक्शन 3 में इसका क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया। इसमें आपको कैंडिडेट्स को क्वालिफाई जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू कंडक्टेड बाय मणिपाल विल बी सब्जेक्टेड टू एन इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंटल इंटरव्यू, इसके बाद आपको इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको यू विल हैव टू गो थ्रू डिपार्टमेंटल या आपका जो सेंटर का इंटरव्यू होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पे और टोटल ऑफ 200 स्कॉलरशिप्स पर एकेडमिक ईयर विल बी अवार्डेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड सच अवार्डेड, ठीक है। टोटल ऑफ 200 जो स्कॉलरशिप्स वो यहाँ पे टोटल में दी जाएंगी। PhD फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मैंने बताया आपको 30,000 जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको 30,000 जो है एनी टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको ये फेलोशिप मिल जाएगा। एडमिशन की बात करूँ यहाँ पे डेट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ कब आपकी इसकी लास्ट डेट रहेगी।
फिर यहाँ पे एक पीएचडी का प्रोग्राम होता है जो सेल्फ फाइनेंस होता है, जिसमें आपको भाई खुद से फाइनेंस करेगा अपना पीएचडी, आपको खुद फाइनेंस करना पड़ेगा। इसमें आपको ट्वाइस ईयर जो है एग्जाम होता, सॉरी, इसमें रिसर्च सेंटर्स के थ्रू भी पीएचडी होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट फेलोज के थ्रू भी एक आपको वहाँ पे अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ड्यूरेशन जो रहेगी वो 3 ईयर्स की रहेगी, या आपको एक्सटेंड भी होगी, लेकिन आपको फेलोशिप जो है वो 3 ईयर्स तक रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूरेशन एक्सीड 6 मंथ्स का, आपको इसके बाद एक्सटेंशन भी मिलेगा। एलिजिबिलिटी हमने बात की फॉरेन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की, आपको एक अगर आपके पास क्वालिफाइंग जो हमने ऊपर एग्ज़ाम देखे, अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री नहीं है, देन यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल इंडिया पीएचडी मणिपाल एडमिशन टेस्ट, ठीक है। आपका टेस्ट रहेगा, इसमें आपको हम सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। ये आपको टेस्ट में क्वालिफाइंग, इसमें आपको अराउंड 60% जो है क्वालिफाइंग होनी चाहिए अपने मास्टर्स में, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आपकी अगर एंट्रेंस टेस्ट की बात करूँ तो 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। टाइम स्लॉट आपका ये दिया हुआ है 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बोथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम, आपको रॉन्ग मार्क्स पे एक, ठीक है, 0 मिलेगा, एंड देन -1 आपको रॉन्ग आंसर पे मिलेगा, +4 आपको करेक्ट आंसर पे मिलेगा। क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स इसमें होगा। एक आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो मैक्सिमम मार्क्स 160 का होगा, और इसमें 40 क्वेश्चंस होगा, और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर बात करूँ तो इसमें आपको नोटिफाई किया जाएगा सेपरेटली, सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिशियल साइट पे, आपको ये ऑफिशियल साइट है यहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको सिलेबस इसका प्रोवाइड किया जाएगा सेपरेटली। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूँ तो आपको पता है आपने मास्टर्स अगर किया हुआ है तो आपको इसमें सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको क्या मिलेगा, कुछ आपको जो है स्पेसिफिक नहीं दिया जाएगा यहाँ पे कि आपको ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। आपने जितना भी मास्टर्स में किया है वो सब आपको वहाँ पे तैयार करके जाना है, देन यू विल हैव योर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। देन आपका इंटरव्यू होगा, फाइनली आपको क्वालिफाई जब होंगे, यहाँ पे ऑन कंप्लीशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड थ्रू द एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपको फिर जो है सब्जेक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंटल इन जो है इंटरव्यू होगा आपको, वो आपको सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा जब आपको, जब आपकी जो है एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन हो जाएगी। इंटरव्यू फॉर ऑल इंडिया पीएचडी मणिपाल टेस्ट शॉर्ट लिस्ट विल बी शेड्यूल्ड ड्यूरिंग 15 to 30 जून के बीच में आपका इसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपको बोथ किसी भी ऑनलाइन मोड भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, ऑन कैंपस एज वेल एज ऑनलाइन। ये आपको डिटेल जो है लेटर ऑन बताया जाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। आपको पीएचडी कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो आपके कांटेक्ट करेंगे, और देन यू विल गेट टू नो कि आपका पीएचडी का इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, फिर आप यहाँ पे भी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको मेंशन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा वो आपको यहाँ पे देखना। ऑन कंप्लीशन ऑफ जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद आपकी जो है ये लिस्ट आएगी ऑफिशियल साइट पे, या आपको यहाँ पे फीस दी हुई है ब्रेकअप इस फीस का, सो आपको इसको देखना होगा कैसे आपकी फीस रहेगी। डॉक्यूमेंट्स, या आपको बाद की बात है, हॉस्टल, अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करूँ, जो फेलोशिप है आपको, जो फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पे आपको डॉक्टर TMA पाई स्कॉलरशिप, तो इसमें 3 साल का मैंने आपको पहले ही बताया ये है। सो प्रोबेशनरी पीरियड जो आपको 18 6 मंथ्स का होगा, इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप रहेगी वो रहेगी 18,000 पर मंथ, देन आपकी जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप रहेगी वो रहेगी आपकी 20,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में आपकी 21,000 रुपीज़ जो है होगी, एंड फाइनली थर्ड ईयर में आपकी स्कॉलरशिप 22,000 रुपीज़ मंथ होगी डॉक्टर TMA पाई स्कॉलरशिप में, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स एक्सटेंड द कोर्स आफ्टर द स्कॉलरशिप
विल नॉट बी प्रोवाइडेड। सो ये मैंने पहले ही बताया आपको, 3 साल के लिए वैलिड है ये स्कॉलरशिप, उसके बाद आपको अगर एक्सटेंड ले रहे हैं देन आपको ये स्कॉलरशिप फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये एडवाइजरी है, मैं आने की जरूरत नहीं है, क्या है ये। सो ये था पूरा जो है इसका ब्रोशर, आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रोशर का डिस्कशन, अब हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही अच्छा PhD प्रोग्राम है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से यूनिवर्सिटी की साइट पे चलते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं आप PhD 2021 फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शंस। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा आपको इसकी लास्ट डेट, इसकी डेट्स क्या है। डेट इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन रहेगा वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट अगर बात करूँ तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजेज वो 15 मई को इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन टेस्ट रिमोट प्रॉक्टर जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा इसका रहेगा जून 5 एंड जून 6 को। टेस्ट शॉर्ट लिस्ट ये आपको जून 11 को मिल जाएगी। फिर इंटरव्यू प्रोसेस 15 जून से आपका शुरू हो जाएगा, एंड देन फाइनली आपकी शॉर्ट सिलेक्टेड लिस्ट आपको जुलाई 10 को मिल जाएगी। सो ये इसकी डिटेल्स हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दी है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आपको ये पूरा यहाँ पे साइट पे जाके देखना होगा। तो चलिए देखते हैं आप PhD फिलिंग कैसे आपको एप्लीकेशन फिल करना है। सो अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये आपको यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन कैसे आपको फिल करना है वो सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एक जनरल जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए वैसे ही है, यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको फैकल्टी वाइज यहाँ दिए टेक्नो फैकल्टी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये सारा आपको यहाँ पे दिया है। आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको टू एंश्योर स्मूथ कोई एरर फ्री एप्लीकेशन प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस कंपलसरी। ठीक है, केयरफुल लॉग इन करना होगा। ठीक है, एंड देन आपको अपना यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी, कौन से आप सब्जेक्ट में हैं, अपनी मार्क्स डिटेल्स पूरा यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद जब आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको लॉग इन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी फिलअप करनी होगी, और यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स फिर दी हुई है ये आपको फिलअप करनी होगी। फिर आपकी एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको शेयर करनी होगी, सॉरी फिल करनी होगी, एंड देन रिसर्च एक्सपीरियंस डिटेल्स। टेस्ट डेट आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी वो आपको, आपको पता है 2 डेट्स में यहाँ पे टेस्ट होगा, सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर स्कॉलरशिप, कौन सी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, और क्लिक सेव कंटिन्यू टू मूव स्टेप 3। फिर स्टेप 3 में आपको जो है अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स और ये अपलोड करने होंगे। आपका फाइनली यहाँ पे फीस सबमिट करके फॉर्म जो है फिल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे करना होगा। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए फॉर्म फिल करने के टाइम, आपको इस नंबर पे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्प डेस्क दी हुई है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वीडियो आप सबके लिए ये रहा। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PhD आप अगर आप PhD चाह रहे हैं, PhD की आपको ड्रीम है PhD करने का, आपको पता है बहुत ही मुश्किल आजकल PhD जो है एडमिशन हो गया है क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी आपको। सो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे PhD पोजीशंस अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे शेयर की है आपके साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी प्रिपरेशन को आप जो है कंटिन्यू करते रहें, इंशाल्लाह आपको जो है सिलेक्शन ज़रूर होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब।